फिर एक बार आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप नेट ऐप के बारे में। डीप नेट ऐप क्या है और कैसे यूज करें। डीप नेट ऐप में आपको अलग अलग सर्वर मिल जाएगा, तो चलिए देखते हैं डीप नेट ऐप को किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक कर देना है, उसके बाद अलाउ में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन में कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग सर्वर मिल जाएगा। एरो में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आपको सर्वर का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर से आप सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वर कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना होगा। तो यहाँ पर जो सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है, अभी इसे हम बैक कर देंगे। और यहाँ पर आपको मिलेगा नेटवर्क टेस्ट का ऑप्शन, यहाँ से आप नेटवर्क टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा +30 मिनट और यहाँ पर आपको मिलेगा +1 आवर। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको 30 मिनट और ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो 1 आवर और ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप इस सर्वर को 30 मिनट या 1 आवर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, प्राइवेसी पॉलिसी आप देख सकते हैं, टर्म ऑफ सर्विस देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और अगर आप इसे डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉप में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर वेट करना होगा, इस तरह से जो सर्वर है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।